अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जुम्मे का दिन है और मैंने ऐसा सुना है कि जुम्मे का दिन बहुत बरकत वाला दिन होता है। शायद सही सुना है, क्योंकि आज मेरा एक दोस्त किसी खुशी में हमें ट्रीट देने वाला है सब दोस्तों को, और खुशी क्या है वो आपको आगे चल के बताएंगे। अभी जो है ठंड काफ़ी बढ़ गई है, शदीद किस्म की। ये सूरज जो आपको नज़र आ रहा है ना सामने, पूरा इस पर मत जाना, ये धोखा है। धोखा सच वो है जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ। अभी हम जाते हैं और जुम्मे की तैयारी करते हैं, फुल टिप टॉप होकर आपके सामने आते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो साथ जुड़े रहें। वेलकम बैक। जुम्मे से हम फ्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नाउ इट इज़ टाइम टू गेट फिट। अब हम चलेंगे जिम, क्योंकि ज़िंदगी में फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। जिम से वापसी में घर आके तैयारी शारी करेंगे और फिर हम ज्वाइन करते हैं सब लड़कों को। जैसा कि आपको पता है, आज हफ्ता जाए पर मुफ्ता ना जाए, कराची वाले समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो अभी जा रहे हैं जिम, और जिम से वापसी में घर आके चेंज वेंज करके जो भी है निकलते हैं, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं ना जाइए। यार मैं रास्ते में था, मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा शेयर कर लूँ आप लोगों से। तो जुम्मे के दिन सूरह अल कहफ की फजीलत, जो इंसान जुम्मे के दिन सूरह अल कहफ की तिलावत करता है, हदीस शरीफ में आता है कि अगले जुम्मे तक उसके गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। मेरे जहन में आया था ऐसे ही, तो मैंने कहा दुनिया जहान की बातें हो गई तो बीच में एक अच्छी बात भी हो जाए। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी आदत बनाएं, सूरह अल कहफ की तिलावत करें हर जुम्मे, और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। बाकी माहौल थोड़ा सीरियस हो गया, अब ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई तो अभी हम आ गए हैं जहाँ खाना खाने लगे हैं, और इधर दिखाओ भाई अली, ये वो शख्स आपके होस्ट, आज के होस्ट, आज का हमारा होस्ट, हमें जिसकी तरफ से खापा है आज का। इससे कोई भिड़े मत, मेरी जान है, हम एक हैं। अल्लाह ऐसे रोज जो है ना सबको दे ट्रीट वाले। आपको जहाँ भी दो नजर आए ना, मैं कहूँगा कदर करो, कदर पकड़ के कदर करो उनकी। बाकी हुसैन भाई मैंने वो तो बता दो, मैंने उनसे बताया नहीं किसी को कि वो किस खुशी की पार्टी है, मैंने कहा वो बाद में बताऊंगा। तो बताना जरूरी है यार, अगर बता, वो जानना चाह रहे थे। कुछ नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी, उससे पहले जॉब लग गई है। पढ़ा लिखा दोस्त, तो पढ़ा लिखा मैं डाल दे रहा हूँ, यही मेरे जिगरी दोस्त हैं चार पांच। एक जो कैमरामैन वो भी दोस्त ही है हमारा, आप सब रामू काका मत समझिएगा उसको। बाकी एक तन्ने मन्ने अंदर भी है एक दो, अभी चल के दिखाते हैं। ये हमारे बाकी के दो लड़के जाने माने, नवीद और उस्मान, ये हमें सरकारी खाता है। ओए होए होए होए, ये हमें कावा सर्व किया जा रहा है। ये क्योंकि मेडिटेरियन रेस्टोरेंट है अरबी स्टाइल का, तो ये इनका ट्रेडिशन है कि कावा जो है सर्व करना गेस्ट को। हम और नहीं मांगना ये फिर बाद में। ये कावा है ये या सिरका है भाई, क्या है? सॉरी मैं सिरका कह रहा हूँ, सोया सॉस लग रहा है।
बिल्कुल ठीक। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। होस्ट साहब कुछ बना। होस्ट साहब भाई, होस्ट तो लग रहा है आज पूरा मेन्यू ही खा जाएगा। इधर मेन्यू की बनाओ और देखो क्या लेना। चलो भाई चलो चलो चलो, तारा वक्त जाया किए बिना जो है ना अभी। अहला वसहला। तुमने क्या किया नवीर? और मैंने लिया है हाफ चिकन टिक्का प्लेट। तुमने मटन बिरयानी? अबे यहाँ के भी बिरयानी ले ली यार, मेडिटेरियन। तूने डिसाइड कर लिया? बटर चिकन। हाँ अली बटर चिकन। अली बटर चिकन भाई आप क्या ले रहे हैं? आप तो बहुत टाइम ले रहे हैं। अबे समझ में नहीं आ रहा क्या ले। One hour later. And then fried shrimp. Order हो रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश में। Yes, yes. And then yes, yes. हाँ ये कर लो पहले। You have one chicken gochujang, one fried shrimp appetizer, one filet mignon kebab, one meat shawarma platter, one mixed grill, one mutton biryani, one chicken tikka, two lemon messed, one coke. Yes. तुम्हें क्या लेना ड्रिंक? वो बाद में बोल रहे, अभी इतना तो याद नहीं रहा। ऑर्डर हो गया है। सबका ऑर्डर टाइम से आएगा, सबका ऑर्डर टाइम से आएगा, सिर्फ एक इंसान इसका, उसने साफ बोल दिया 25 मिनट लगेंगे तेरे ऑर्डर के अंदर, 25 मिनट लगेंगे तेरे ऑर्डर में। वो बोलते हैं लेकिन आ जाते। ये देख अपने दिल को तसल्ली कैसे दे रहा है यार। ये हम ही बातें हैं कि जो दोस्त जो है ट्रीट नहीं देते, ट्रीट नहीं देते, भागते हैं। एक जिंदा जीती जागती मिसाल में बराबर में बैठी हुई है। ये भी बड़ी मिसाल है कि कैमरे में भी नहीं आ रही है। देखे ये खुद देंगे पैसे। एनर्जी ना अली की डाउन हुई है, से ज्यादा बात नहीं कर रहा, बस थोड़ी बार फोन निकालता है, अनलॉक करता है, फिर लॉक करके बंद कर देता है। तुम क्यों हाथ मसल रहे हो अपने? मसल नहीं रहा है, प्रैक्टिस कर रहा हूं। है वो ये भागने की तैयारी तो नहीं कर रहा है ये भागने की? हाँ अबे अली को तो कुचलता हुआ चला है। तुम लोगों का स्टिकर बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हुसैन एक बहुत ही अच्छा लड़का है और दावत देने में ये बड़ा पेश पेश रहता है हमेशा से। जान दे देंगे इसके लिए। अबे यहाँ पे तो क्रिकेट की बातें ही खत्म नहीं होती हैं। सत्ती बैठे हैं क्रिकेट। अजीब यार, अभी मैं आप लोगों से ना शेयर करूंगा लास्ट इनिंग नवीद की, जिसमें डब्बा बजा था इसका। बातें इतनी करता है सुबह से रात तक क्रिकेट की, अभी भी सोच रहा है कौन सा बल्ला खरीदना है। ये देखें ये जो है क्या, बाबा गनूश एंड हमस, और ये मेडिटेरियन स्टाइल के जो है वो रोटी है, पीटा ब्रेड कहते हैं। चलो यार हम भी ट्राई करते हैं। नवीद कह रहा है अच्छा है। अभी ये दोनों सेम है, गनूश और आदे में खाया अपने यार। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। वीडियो के लिए गा रहा है यार की तरह। बोल बिस्मिल्लाह। अली तुमने ये ट्राई किया बाप? ये वाला बोलो बिस्मिल्लाह। मुबशिर बोलते हैं। मुबशिर से मैं नहीं बोलो क्या होता है। अबे तूने मिक्स कर दिया नमकीन। ये गाड़ी चढ़ा दी। ये हमने मंगवाए हैं एपेटाइजर में श्रिम्प। एक बंदा हमारा ये श्रिम्प नहीं खाता बस। ओए ये क्या हो गया? इनकलाब इनकलाब। अबे तू अभी तक इसकी जान नहीं छोड़ी तूने भाई? ऐसा भूखा आदमी है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता। हमने दो श्रिम्प निकाल लिया अपनी प्लेट में और हम इसमें डालेंगे। आय हाय 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 नींबू का छिड़काव। ओए हो ब्रेड तू बना ले पहले। शादी और ये हमारी मटन बिरयानी। आए हाय हाय हाय। कीमा साहब क्यों यार? कुछ भी खाओ, देसी खाने की जो शक्ल है ना वो अलग ही होती है। देखो इन सबके बीच में अलग ही चमक रही है कि नहीं चमक रही? नहीं भाई। अली का प्लेटर चेक करें आप। ये हुसैन तेरा प्लेटर अली का आगे रख दो लोगों ने। अली का यू ना, अली का अली बोल रहा है काफी दिन से भूखा। ये हुसैन का है, ये मेरा सीधा साधा सा यार, मैं शरीफ बच्चा। ये इस आदमी का चेक कर ले। क्या मंगवा लिया तूने? ये टिक्का है, ऐसा तैयार हो रहा है खाने के लिए। तो ये हम सबके उस्मान ने तो बिरयानी मंगवाई थी, तो आप देख सकते हो खा रहा है। उस्मान की थोड़ी बिरयानी है, मैंने भी ले ली है। चेक करते हैं क्या कह रही है। आ जाओ भाई, ठीक है
ये चावल डिफरेंट किस्म के हैं, ये चावल डिफरेंट किस्म के हैं, और ये मेरे ख्याल से ये मुझे लैम लग रहा है यार, लैम, ये मुझे बीफ नहीं लग रहा, और ये फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये इसमें भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये नवीद ने थोड़ा सा ये पीस अपनी चिकन का जो है सजा दिया मेरी प्लेट में, ट्राई करते हैं देखते हैं क्या कह रहा है। दोनों चावलों को एक ही बाइट में बनाते हैं थोड़ा थोड़ा, ओए होए होए होए, कीमत आपको आवाज दो ये मेरी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक, जहाँ मिलती है ना मैं नहीं छोड़ता कहीं भी, मिंट और ये देखा देखी चोर आदमी ये फौरन मंगवा लेता जहाँ से पूरी ये भाई कुनाफे के शशके और उसके मुंह से लाल टपक रही है। अब ये तो चीज देख कर ही ऐसा हो जाता है जीव के ना, इसको कुछ मिला ही नहीं, ये चीज फुल ऑफ चीज, ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और पता नहीं क्या कुछ है, बस जो भी आप वेट नहीं हो रहा, अब हम इसको खाएंगे। हाँ भाई टिटबिट बढ़ रहे हैं सबके यहाँ पे, आप देख सकते हैं हालत है, हुसैन तो की तो जैकेट वो हो गई एक्स स्मॉल हो गई है, आया बेचारा मीडियम पहन के था। ओए अली भाई रिव्यू दो खाने शाने का, अच्छा था काफी माशाल्लाह, तुम बताओ। अच्छा वो कह रहा है नहीं मेरे से बात नहीं करो, तो खाना अच्छा था, ठीक था, बुरा भी नहीं था, सही था। अरे कहना क्या चाहते हो, ये देखो घर ये ओ भाई ये गोश्त की तहलियां नहीं है, घरों में जा रहा है खाना, ये देखो कितना जो है ना वो क्वांटिटी क्यों, क्वांटिटी क्योंकि ज्यादा थी तो कुछ खा लिया गया, कुछ काफी बच गया, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, ठंड बहुत है, हमारा एक लड़का अभी अंदर से आ रहा है, इमरजेंसी हो गई है थोड़ी, तो हम अंदर उसका वेट कर रहे हैं, बाहर बहुत ठंड है। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में, आप बताएं आपको व्लॉग कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करें भाई, आज भी किया करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।